नमस्कार, 2022 चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आखिर पांच राज्यों को लेकर बीजेपी क्यों डरी हुई है। जहां दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अब तक 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके रिजल्ट बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं। और क्या कुछ यहाँ पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, संपूर्ण आंकड़े यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, 14 राज्यों का विश्लेषण, उसके बाद पांच राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं, आखिर क्या कुछ हो सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 14 राज्यों के अब तक चुनाव लोकसभा के बाद हुए हैं और 14 राज्यों के चुनाव रिजल्ट जो है वो बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर रहे हैं। और बीजेपी को कई राज्यों पर अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है तो कुछ राज्यों पर बीजेपी मिलजुल कर सरकार चला रही है। सबसे पहले बात करते हैं 2019 यानी लोकसभा के वक्त विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में किए गए थे और इसके रिजल्ट क्या थे। इसमें अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन अरुणाचल प्रदेश एक वो राज्य था जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। और यहां पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जो है 60 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों पर जो है यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के पीछे का एक बड़ा कारण था कि लोकसभा का जो असर था, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी पूरे देश के अंदर, उसका असर अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। और इस कारण बीजेपी ने एकमात्र राज्य जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई यानी बहुमत के आंकड़े को पार किया वो अरुणाचल प्रदेश रहा। अब इसके बाद के आंकड़े अगर बात करें तो जो रिजल्ट था उसमें अगर देखें तो उड़ीसा में यहां पर बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की। इसके बाद 11 अप्रैल 2019 को सिक्किम का जो विधानसभा चुनाव था इसमें भी यहां पर बात करें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन इस मोर्चे का हिस्सा बीजेपी जरूर रहा था, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं सकी थी, यानी सिक्किम में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था 2019 दौरान। अब बात करते 21 अक्टूबर 2019 को हरियाणा जो राज्य है यहाँ पर बीजेपी ने जरूर अपनी सरकार के आंकड़े तक पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार में यानी गठबंधन में सरकार है, अपने दम पर सरकार केवल अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसके बाद हरियाणा में जो है बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा था उसको यहाँ पर पार नहीं कर सकी और गठबंधन के तौर पर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार में है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवा दी है और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ने यहाँ पर सरकार बना ली। हालांकि बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, 105 सीट बीजेपी ने इस चुनाव में जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो था वो यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिला। शिवसेना के साथ गठबंधन ने चुनाव जरूर लड़ा लेकिन शिवसेना यहाँ पर सीएम पद को लेकर अड़ी हुई थी, इस कारण से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवा दी। और झारखंड में तो बड़ा उलटफेर हुआ, झारखंड में बीजेपी अपनी सत्ता गंवा दी और यहाँ पर बात करें तो हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। जहां बीजेपी को नुकसान हुआ वह कांग्रेस को फायदा हुआ, महाराष्ट्र में कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में सरकार है और जहां पर झारखंड में बीजेपी ने अपनी सरकार गंवा दी तो यहाँ पर भी कांग्रेस यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में आई। यानी 7 राज्यों के रिजल्ट में बीजेपी एक राज्य में गठबंधन तो एक राज्य अपनी यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार लाई, लेकिन तब जब लोकसभा का वक्त था उस दौरान बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। अब कुछ और राज्यों के आंकड़े आपको दिखाते हैं 2020 की, अब बात करते हैं 2019 के बाद 2020 का आंकड़ा क्या कहता है कि यहाँ पर जिस कार से जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी टक्कर देने की प्रयास जरूर किया और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह जी हो या फिर कुछ और बड़े दिग्गज नेता वो जरूर दिल्ली दौरान जो है रैलियों में मौजूद थे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा प्रयास जरूर किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़ी चालाकी से यहाँ पर जो है 70 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज के कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी हार की तरफ बढ़ाया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस प्रकार का यहाँ पर झटका लगा वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों को लेकर भी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम जरूर किया है। अब देखें बिहार के रिजल्ट, बिहार में बीजेपी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी और अन्य जो दल थे उनके साथ गठबंधन जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश की थी और काफी कम मार्जिन के अंतर से बिहार में जो है रिजल्ट देखने को मिला। हालांकि यहां पर बात करें तो जिस कार का गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार देखने को मिलती रहती है, जिस कार की खबरें निकल कर आई हैं। लेकिन यहां पर बात करें तो बीजेपी से कम सीटें यहां पर जेडीयू ने हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यानी दो राज्यों के चुनाव में बीजेपी यहां पर बात करें तो एक में बीजेपी को बड़ी हार मिली अरविंद केजरीवाल से तो दूसरे राज्य गठबंधन में बीजेपी सरकार चला रही है।
अब बात करते हैं यहाँ पर 2021 चुनाव के रिजल्ट क्या है। करीब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2021 में हुए थे और ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। जनता किसके साथ जाएगी, किसके यहाँ पर विपक्ष रहेगी, ये काफी महत्वपूर्ण था। और इसमें सबसे बड़ा राज्य था वेस्ट बंगाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल को लेकर बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सारे के सारे बड़े दावे यहाँ पर फैल दिखने, यहाँ पर जो रिजल्ट था उसके बाद रह गए। लेकिन क्या रिजल्ट यहाँ पर बना है असम के दौरान, यहाँ पर बात की तो असम में बीजेपी को यहाँ पर करीब जो है 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। यानी अपने सरकार का जो आंकड़ा है वो बीजेपी ने छुआ नहीं और बीजेपी यहाँ पर गठबंधन में सरकार चला रही है। अब बात करते हैं केरला की, तो केरला में यहाँ पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, यानी यहाँ पर जो बड़ा वाला ठीक हुआ है और यहाँ पर वो सरकार में है। और पौंडुचेरी की अगर बात करें तो पौंडुचेरी में भी जो है यहाँ पर पहले राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन इसके बाद जो चुनाव रिजल्ट था उसमें भी बीजेपी यहाँ पर गठबंधन में रही है। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसके बाद बीजेपी यहाँ पर गठबंधन में है। और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ था एआईएडीएमके के बाद, यहाँ पर डीएमके ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। और यहाँ पर बात करें तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जो है बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया, एक बड़ा आंकड़ा प्राप्त किया, 294 विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल से जाती है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यानी 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई, लेकिन वो वक्त था लोकसभा चुनाव दौरान। 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और 14 राज्यों के इलेक्शन चुनाव के रिजल्ट कहते हैं कि बीजेपी एक राज्य में अपने दम पर सरकार में है, जबकि 4 राज्यों के जो रिजल्ट है उसमें बीजेपी गठबंधन के दौरान है। इसमें हरियाणा की बात करें, यहाँ पर पौंडुचेरी की बात करें या बिहार की, इसके अलावा असम, तो ये वो राज्य रहे हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं चिंता में डाल सकते हैं। 14 राज्य काफी ज्यादा हो जाते हैं और बीजेपी जिस प्रकार का दावा करती है कि वो बड़ी पार्टी बनती जा रही है, उस दौरान ये बीजेपी को कहीं ना कहीं चिंता में डाल सकते हैं। और यहाँ पर बात की तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी बड़ा झटका है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही झटका है, कांग्रेस को भी बड़ा झटका है। कांग्रेस 2 राज्यों में सरकार में है लेकिन वो गठबंधन दौरान है, महाराष्ट्र और झारखंड। इसके अलावा कांग्रेस अपने दम पर एक भी राज्य में, इन 14 राज्य यानी लोकसभा के बाद एक भी राज्य में अपने दम पर सरकार में नहीं है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। अब बात करते हैं 5 राज्यों के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने हाल ही में जो सर्वे जारी किया है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले और भी राज्यों के लिए, क्या इसके परिणाम उन पर किस प्रकार का इफेक्ट डाल सकते हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, आखिर में क्या होगा ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, किस प्रकार के चुनावी प्रचार चुनावी घोषणाएं होती हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन एबीपी सी वोटर के आंकड़े आपको दिखाते हैं। मणिपुर में फिलहाल बीजेपी अपनी सरकार में वापसी करती नजर आ रही है, जो आंकड़े हैं कांग्रेस 18 से 22 सीटों पर सिमट रही है। गोवा में बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, जो यहां पर आंकड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बदलता जा रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है महंगाई का मुद्दा बना रही है और यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भी जमकर यहाँ पर जो है सरकार को घेरे में ले रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर बात करें तो पीके प्रशांत किशोर भी इस चुनाव यानी लोकसभा के लिए अभी से रणनीति तैयार करने लगे हैं। तो क्या होगा लोकसभा के दौरान, उसके भी आंकड़े आपके आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो पंजाब में, तो पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि यहां पर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान हो सकता है जो आंकड़े हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर 19 से 23 सीटों पर सिमट रही है, तो बीजेपी यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। जबकि यूपी में बीजेपी एक तरफा सरकार बना के आंकड़े तक पहुंच रही है, 259 से 267 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है, 109 से 117 विधानसभा सीटें, बेस से 12 से 16 सीटें, कांग्रेस 3 से 7, अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। तो दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपको एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो आंकड़े दिए उस अनुसार दिखाए हैं। लेकिन कुछ और आंकड़े जो यहां पर निकल कर आए हैं लोकसभा के बाद, अब तक जो 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं वो आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। दोस्तों आप किसे अच्छे नेता मानते हैं, इस पर भी आप प्रयास कमेंट बॉक्स रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जान जय भारत।